गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। शुरू करें पढ़ाई? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक दुविधा थी। एक मिनट कृष्णम, पिछली क्लास में कहाँ थे तुम? सर टाइम चेंज हुआ था, ये भूल गया था। अच्छा, चलो कोई बात। आज तो पता है। यस सर। हाँ भाई, ये दुविधा वाला कौन है यार? हर्षवर्धन सर। सर वो मैथ का जो डाउट क्लास है वो अभी 12 बजे से चालू होता है, तो अच्छा, तो वो बोल देते हैं उनको, प्रणव आप बोल दो, प्रणव भैया को, चाहे मैं बोल देता हूँ। एक मैथ्स के डाउट क्लास का टाइम चेंज करना है ना? ठीक हाँ। है, एक मिनट, तो मुझे लिख के भेज दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ओके सर। ओके ना? मैं प्रणव को डाल दूंगा सेम चीज, पर्सनली मुझे भेज दो लिख के, मैं बोल दूंगा चेंज कर। ओके सर। ऑफिस वगैरह बंद है ना, अभी मिल नहीं पाते, तो थोड़ा चीजें ऊपर नीचे हो रही है ना। चलिए, और कुछ? नो सर। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो आज अपन लोग फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो माइकल फेरेडे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड दिया था, राइट, उन्हीं ने कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइन दिया, उसके बारे में अपनी। सर हाँ जी, स्क्रीन सर आपकी आवाज गूंज रही है। यस आवाज गूंज रही है। सर। सही है सर। नो सर, सही है सर। सही है सर। सही है सर। आप अपना सही है माइक सर। बंद कर लो, नहीं गूंजेगी। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग के लिए कर रहा हूँ कोशिश। यार ये क्या प्रॉब्लम हो गया? गिव मी अ मिनट, मेरा थोड़ा सा ये मार्कर और इसका कनेक्शन गड़बड़ हो गया सीन्स। आ गया। तो दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो माइकल फेरेडे ने कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं फील्ड लाइंस, ठीक है? ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैप होता है, नक्शा, ठीक है? नक्शे में जो चीजें दिखती है वो सब असल दुनिया में होती है क्या? मैं सवाल के जवाब का वेट कर रहा हूँ। होती है पर उस साइज के रेशियो में नहीं होती। यस सर। नक्शे में नहीं होती है। नक्शा क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किन चीजों को, जो असल में है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये तुमने किसने लिखा? फिजिक्स एंड मैथ डाउट क्लास आर नियरली स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। फिजिक्स वही क्लास एंड मैथ्स डाउट, मैथ्स क्लास होना चाहिए ना? मैथ्स डाउट क्लास, डाउट क्लासेस। फिजिक्स की डाउट क्लास या फिजिक्स की क्लास? नहीं सर, फिजिक्स की क्लास और मैथ की डाउट क्लास आपकी इस टाइम स्टार्ट होती है, और मैथ की डाउट क्लास 12 बजे स्टार्ट होती मैंने वो फिजिक्स क्लास लिखना चाहिए क्या? है। अच्छा सॉरी सर, गलती हो कोई बात। तो जैसे आप, कोटा असली है, असल में है कि नहीं कोटा? गई। सर। भारत देश असल में है, यस दिल्ली है, पंजाब है, सब है असल में। नक्शे में जो दिल्ली, पंजाब, कोटा, भारत, अंडमान निकोबार दिखता है नक्शे में, वो एक असली क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है?
प्रेजेंट करता है, वो खुद होता है कि नहीं होता है? नो सर, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, एक वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बच्चों, फील्ड लाइन क्या चीज होगी और फील्ड क्या चीज होगी? फील्ड लाइन फील्ड तो होगी असली चीज, और फील्ड लाइन क्या करती है उसको? कंफ्यूज तो नहीं होंगे आगे जाके आप लोग इसी में कंफ्यूज होने वाले, मैं अभी बता दूं, खासकर जो नो बोल रहे हैं वो तो पक्का कंफ्यूज होने वाले। तो क्या फील्ड असली है कि नहीं, मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर, सीआरटी में भी सिखाया था, लिखा था, सब था, राइट? हाँ सर, मोमेंटम होते हैं। फील्ड तो बिल्कुल असली है, रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? यस सर, बिल्कुल असली है, ट्रू है, ट्रूथफुल है, मतलब इट इज देयर इन द वर्ल्ड इफ वी चेक इट आउट, राइट? ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है फील्ड, और फील्ड लाइन क्या है उसका? रिप्रेजेंटेशन, नक्शा। अब देखा जाए तो हमें कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम फील्ड को मैथमेटिकली तो लिखना सीख चुके हैं। जैसे मैथमेटिकली भी आप देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ही है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फील्ड का, राइट? मैथ्स में हम कुछ भी लिखते हैं तो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ही होता है वो। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? Yes, नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। तो फील्ड लाइन क्या होगी? इट वुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट इज रियल, दैट इज फील्ड। ठीक है यहां तक बात? Yes, असल में फील्ड है और फील्ड लाइन उसकी रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग टेक्निक। वो इसलिए है क्योंकि ग्रेट माइकल फैराडे बहुत यूनिवर्सिटीज में जा जाके खूब पढ़ाई किए थे, राइट? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। तो उन्होंने क्या किया, चित्रकारी से सीख लिया। जो भी ये चीज से रिप्रेजेंट होती है ना, ग्रेट माइकल फैराडे ने बोला मैं तो सिर्फ चित्रकारी से बना दूंगा। जैसे आप में से भी कुछ लोग चित्रकार बनना चाहते हैं, कौन कौन चित्रकार बनना चाहता है? तो ये नक्शा है फील्ड का, चार्ज क्यू की वजह से फील्ड का नक्शा माइकल फैराडे ने कुछ अच्छा बनाया, ठीक है? क्लियर है यहां तक? दिस इज द मैप क्रिएटेड बाय माइकल फैराडे। तो इसके कुछ नियम है, कायदे, कानून है। जैसे आपने मैप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो उसमें कायदे होते हैं कि भाई नीले रंग से अपन नदी बना देंगे, राइट? इंटरनेशनल बाउंड्री से बनाएंगे, उससे बनाएंगे, फिर जो वो जो होते हैं आपके दूसरे नॉन पॉलिटिकल मैप, उसमें पहाड़ दिखाने का अलग तरीका होता है, और ऐसा सब होता है ना? यस सर, होते हैं सर। ऐसे ही रूल्स इधर भी है। शुरू करें? पहला रूल, टेंजेंट टू फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
रिप्रेजेंट के बाद टेंजेंट टू फील्ड लाइन रिप्रेजेंट फील्ड. जैसे ये फील्ड लाइन है तो इसका यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा या रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड कर दीजिए ना. रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट ये डायरेक्शन हो जाएगा. गॉट इट सर. सर फील्ड लाइन अपन ने बना दिया एज़ एन एरो और फील्ड लाइन उसकी टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगी. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. आप लोग मेरे को भी साइड में विंडो में ऑन रखते हैं ना मेरी मेरी वो वीडियो को. हाँ सर. यस सर. हाँ सर. हाँ यस सर. तो जहाँ पे भी जैसी भी फील्ड लाइन बनेगी यहाँ पे मान लीजिए ऐसी फील्ड लाइन बनी तो इसका टेंजेंट अपन ने यहाँ पे मार दिया तो ये यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन मालूम पड़ जाए. डू यू गॉट इट? सेकेंड नंबर का पॉइंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कर लेते. रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड. अब ये थोड़ा लफड़े वाला केस है, इसको मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा. सो लेट मी ट्राई. एक मिनट में कुछ खोल रहा हूं आप लोगों के लिए. ये दिख रहा है सबको? यस सर. यस सर. सर गूगल मैप? यस सर. यस सर. यस सर. ऑलराइट. इसे मेरा घर दिख रहा है क्या? नो सर. नहीं. नो सर. नो सर. यस सर. नो सर. व्हाट छू फोटो दिख रहा है? किसको दिख रहा है फोटो? गया सर. गया. फोटो किसको दिख रहा है इसमें? फोटो नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा. दिख ही नहीं रहा. वो दिख रहा है. किसको फोटो दिख रहा है इसमें? सर ब्लू डॉट लोकेशन को कर रहा है. ये ब्लू डॉट ये तो बेटा इसमें पूरा कोटा रतलाम राइट आधा मतलब थोड़ा एमपी आ जाएगा थोड़ा राजस्थान आ जाएगा. त्रिगुदी ब्लू डॉट कोटा दिख रहा है तो बूंदी झालावाड़ पूरा आड़ोती है ये. समझा कि नहीं समझा? और तो मैंने लोकेशन ऑन कर रखी है. कौन बाप पागल है? ऑन ही है. चलो खैर फालतू बात है. समझ में आ रही क्या बात? तो अब जैसे कोटा देख रहे हैं इसमें इसमें पर इंडिया का नक्शा देख रहे हैं तो इसमें तो ज्यादा डॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे. राइट. अब जाके अपन देखें तो कुछ कुछ डेड डॉट दिख रहे हैं. इंदौर अहमदाबाद सूरत मुंबई गोवा राइट. उत्तर प्रदेश तो पूरा खाली पड़ा. मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई शहर है ही नहीं राइट? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir.
कहाँ देखो कुछ भी तो नहीं है, कोई डॉट नहीं है इसमें, डिफरेंस लेवल अलग है, महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई है। तो यदि अपन ये बोले नंबर ऑफ डॉट्स इन अ मैप रिप्रेजेंट समथिंग, तो वो नंबर ऑफ डॉट देखा जाए तो उसका लिटरल मीनिंग लेना है कि नॉन लिटरल मीनिंग लेना है? जैसे कि आप ये चाइना का नक्शा देखो, ये जगह पूरी खाली है, एक्चुअली ये तिब्बत प्लेटो, यहाँ पे ज्यादा लोग है भी नहीं, बट थोड़ा बहुत ढूंढोगे तो कहीं पे लासा वासा मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे जहां पे एक्चुअली चाइना में लोग रहते हैं, तो आपको यहाँ पे डॉट ज्यादा दिखेंगे। दिख रहे डॉट ज्यादा कि नहीं दिख रहे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि भाई जो डॉट्स है उसको लेके बहुत इमोशनल नहीं होना है अपन को। ऐसा नहीं है कि ये डॉट्स ही बस चाइना में, इन डॉट्स भी रहते हैं लोग, ऐसा है क्या? जैसे जैसे अपन इस चाइना में रूम करते जाएंगे एक एक डॉट्स बढ़ गए। यस सर। कहीं ना कहीं वुहान जिसने सारी दुनिया को खा गए, यस सर, चमगादड़ खाने वाले लोग, बढ़िया लोग, यस सर, यस सर। अब देखिए डॉट्स बढ़ गए और मैं जूम इन करूंगा तो और डॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? ऐसे इंडिया में भी यदि मैं जूम इन करता जाऊंगा तो अभी ग्वालियर, शिवपुरी, सवाई माधोपुर ऐसी छोटी छोटी जगह दिखने लग गई, और यही मैं जूम आउट करूंगा तो अभी सवाई माधोपुर गायब हो गया, ग्वालियर अभी भी दिख रहा है, और जूम आउट किया लोग ग्वालियर गायब हो गया। तो यदि मैं बोलूं नंबर ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट, तो इसका सिर्फ रिलेटिव मतलब है, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। मैं तिब्बत में जूम इन कर रहा हूं तो अब जाके ये एक डॉट दिखा, तो एक तुक्का तो मार सकते कि तिब्बत में ज्यादा लोग मिलने वाले हैं नहीं, फिर भी किसी को लगता है नहीं तिब्बत में भीड़ है तो जाके देख लो भाई। देखो तिब्बत पूरा खाली खाली दिख रहा है इतना जूम इन करने के बावजूद, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। क्या में देखो आप, अब फगवाड़ा, होशियारपुर, जो जगह के नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, हनुमानगढ़ टाउन, एलानाबाद, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। तो क्या अपन ये कंक्लूड कर सकते कि तिब्बत में शायद लोग कम होंगे, शहर कम होंगे? कंपैरेटिवली एग्जैक्ट एक लेवल पे कर सकते हैं। और किस लेवल पे? एक लेवल मतलब क्या होता है? मतलब एक लेवल पे अगर इंडिया को देखे, मतलब एक ही हाइट पे इंडिया को देखे और मतलब इधर तिब्बत को देखे तो उसमें कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, जैसे चाइना में घुस गए अपन तो यहाँ तो बढ़िया हरा हरा और ये डॉट 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 कितने सारे शहर दिख रहे हैं, राइट? बात समझ में आई कि नहीं आई है? यस सर। यही बात अब मैं यहाँ पे आपसे फिर से करने जा रहा हूँ कि जब हम यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन कहेंगे तो उसका मतलब सच्ची मुच्ची की फील्ड लाइन नहीं है, वो सिर्फ रिलेटिवली। कैसे है? रिलेटिवली। ये दिख रही है आपको? यस सर। यदि मैं ये बोलूं कि इस क्यू चार्ट से मैंने 8 फील्ड लाइन बनाई, गिन के 8 ही बोलेंगे आप जैसे लोग कि हाँ सर 8 फील्ड लाइन है, अबे गिन लो। यस सर। यस सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राइट। और आप बोलेंगे कि सर देखो इस जगह फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, इस जगह फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में ज्यादा कहां पे? 1 पे कि 2 ए बी पे? 1 पे। ए पे। ए पे। ए पे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया द सेम है। सेम है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया ए और बी पे सेम दिख रही है? ए ज्यादा है। ए ज्यादा है। ज्यादा है। मैंने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं बोला है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया बोला है। कुछ लोग तो आधा वर्ड सुनते ही नहीं है, उनको बोलो गुलाब जामुन तो चले जाते हैं गुलाब का फूल तोड़ने। बिल्कुल ही बुद्धि से मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोल रहा हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया बोल रहा हूं।
भागो भाई तो ए और बी पे सेम दिख रही है आपको नंबर ऑफ प्लेस यूनिट एरिया नो सर ए पे ज्यादा नो सर ए पे ज्यादा राइट अब यदि मैं ये बोलूं कि बी से आठ फील्ड लाइंस निकल रही है बी वाली सरफेस ठीक है क्या बोलूं मैं बी वाली से भी आठ निकल रही है ए वाली से भी आठ निकल रही है देखो यहां तक ठीक है बात तक मैंने लिखा ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट ए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट बी आर इक्वल यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है परंतु यदि मैं ये लिखूं ये एट और ये एट तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इट इज लाइक सेइंग कि देश के नक्शे में इतने नंबर ऑफ डॉट्स गूगल मैप देख लॉजिकल है क्या बात नो सर नो सर नो सर प्लीज बता दो सर मैं इस फील्ड लाइन एक बार ये फिर से बता दो इस फील्ड लाइंस को मैं पास से देखूं तो ये एक ही फील्ड लाइन मुझे अनेक फील्ड लाइन जैसी होंगी समझे कि नहीं समझे यस सर यस सर ना केवल इतना बच्चों हमारे पास कागज कौन सा है 2D राइट यस सर दुनिया कैसी है सर दुनिया भी 2D 3D रहेगा तो प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू हो जाती है कि यदि हम ये बोले कि यहाँ से जो हमें दिख रही है उसको काउंटिंग भी कर लोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं वो 8n है जहां पे n तो 3D स्पेस में जा रही होंगी फील्ड लाइंस आई बात समझ में सर ये एन ए और एन बी से फिर से बता दो सर वो बीच में सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी यार ये थोड़ा मुश्किल होगा नेटवर्क प्रॉब्लम आप थोड़ा नेटवर्क सुधार लेना सर अभी सर हो गया ठीक मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ इसका नेटवर्क प्रॉब्लम आया तो रिकॉर्डेड देखिए ओके सर क्या पूछना है आपको सर ये एन ए इक्वल एन बी के बाद जो बोल रहे एन ए को आठ बोलने का कोई मतलब नहीं है आप बोले कि साहब गिन तो रहा हूँ आठ दो रीजन है इट इज लाइक कि नक्शे में डॉट काउंट करके आप शहर बता सकते हो क्या कि कितने घर है गूगल मैप में नो सर सर कितने भी हो सकते हैं कोई और डॉट हो सकते हैं जो दिख ना रही हो एग्जैक्टली ओके सर सर तो जैसे जैसे अपन जूम इन करते जाएंगे वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो बढ़ती जाएगी जैसे डॉट्स बढ़ते हैं तो कोई मतलब ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का सिर्फ कंपैरेटिव मतलब है हां सर बढ़ती जाएंगी का भी कोई मतलब नहीं है जैसे कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है हम बोलेंगे 8n क्योंकि क्यों 3D में है 3D में तो वैसे भी काउंट होंगी नहीं यस सर अब कोई पूछे n क्या है तो n का कोई मतलब नहीं है मुद्दा ये हाँ क्या मतलब है कि भाई मैंने q से यदि बनाई 4n ठीक है तो 2q से इट इज क्वाइट ऑब्वियस कितनी बननी चाहिए 8, 10. क्योंकि यहाँ पे दो क्यू रखे हुए ऐसा सोच सकते हैं अपन तो कंपैरेटिव मतलब तो है लेकिन एब्सोल्यूट मतलब नहीं है कोई आ जाए कि चलो मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ जिससे अपन एन की वैल्यू निकाल सकेंगे तो ऐसे भाई को क्या बोलना है अपन को राम 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 बिल्कुल सही बात है ना ऐसे भाई को दिल पे नहीं लेना अपन को क्लियर है yes, बड़े आगे यस यस सर चलिए So number of field lines burned in cross-sectional area represents magnitude of field. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
है ना, और ये रिलेटिव टर्म है, इसका एब्सोल्यूट में मतलब नहीं है. जैसे कि यहाँ चेक करते हैं अपन, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि मान लीजिए मुझे इसकी फील्ड कंपेयर करनी है यहां से आर दूरी पर, इसकी फील्ड से टू आर दूरी पर. अब जो मुझे फॉर्मूला आता है उसके हिसाब से बोलूंगा यार के क्यू बाय आर स्क्वायर और के क्यू बाय टू क्यू बाय टू आर का स्क्वायर, राइट. तो ये वाली जो फील्ड होगी आधी होगी राइट, इवन से ई टू. यस सर. ई टू क्या होगी, इवन बाय टू, सबको दिख रही है. लेकिन यदि अपन फैराडे की भाषा से चले तो भी सेम आंसर आना चाहिए. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर नेट एरिया कितनी हुई यहां पे, 4n / 4 πr स्क्वायर. देखा सबने? यस सर. किसी को गलती दिखी क्या सर? ये तो पूरा स्फीयर का एरिया हो गया. स्फीयर नहीं मिली सर. इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्विवेलेंट आएगा बेटा. स्फीयर ही तो होगा, तुम्हें सर्कल दिख रहा था, सर्कल है क्या? अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले, दुनिया 3D है बेटा, जागो. 3D. हैं? यस सर. आपको आपको क्या लगता है कागज टूटी तो दुनिया भी टूटी, जैसा कागज जैसे दुनिया बन जाएगी? नहीं सर. पक्का ना? यस. पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन सेंटर्स, ये सही है? हाँ सर. इक्वल टू सही नहीं है, प्रोपोर्शनल सही है, इक्विवेलेंट सही है. तिब्बत आप घूम लो, वहां कुछ नहीं मिलेगा. फिर से दिखाऊं गूगल मैप, सहारा का नक्शा दिखाऊं? हां सर. सहारा में दे आपको मिलेंगे क्या? नो सर. नहीं सर. सहारा में सहारा रेगिस्तान है दुनिया का बहुत बड़ा वाला, जो ज्यादा बड़े वाले हों जिन्हें पता ही नहीं हो सहारा क्या है ना, कई इस तरह के भी लोग मिल जाएंगे. सो क्लियर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब है, कंपेरिजन के लिए मतलब है. E2 by E1 का रिजल्ट इस लॉजिक से भी वही आ रहा है हाफ, उस लॉजिक से भी हाफ ही आ रहा था राइट, दोनों लॉजिक से हाफ ही आ रहा है ना बच्चों? यस सर. यहाँ सर और इवन की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ कंपेरिजन के लिए मिल रही है. तो ये अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, जिनको डाउट से पूछ सकते हैं. कोई बोल रहा था बीच में? आई एम वेटिंग. नहीं है कोई डाउट? हेलो. नहीं है सर. Yes, sir. Yes. Yes. चलिए. थर्ड पॉइंट, फील्ड लाइंस कैन नॉट ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में होता है का मतलब होता है चार्ज फ्री स्पेस, है ना? पर बड़े लोग इसको पुराने जमाने से फ्री स्पेस ही बोलते हैं. चार्ज फ्री स्पेस में चार्ज साइलेंट, ऐसा समझ लो. ठीक है. रिलेटिव मतलब
क्या वैक्यूम? वैक्यूम बोलना पसंद नहीं करते थे पहले जमाने के लोग, उसके कुछ फिलोसफिकल रीजंस हैं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है? आगे बढ़े, अफेक्टिवली उसका मतलब वैक्यूम ही है, ठीक है? लेकिन उसको चार्ज फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोलते हैं उसको। बढ़ू क्या? यस सर। यस सर। तेरा इसका मतलब समझ ले आप? जैसे मैंने फील्ड लाइंस बनाई तो मेरे पास हर्षवर्धन जी आ जाएंगे, बोलेंगे सर इसका मतलब यहाँ फील्ड नहीं है क्या? भाई हर्षवर्धन जी क्या बोलते हैं? मेरा स्क्रीन ही रुक गया है। क्या मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है? नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है तुम्हारा, तुम रहने दो, आदमी खराब। मुकेश भाई से पूछो ना यार, सस्ता सुंदर टिकाऊ अरेंजमेंट दे रहे हैं वो, हैं? तो मेरा BSNL है। हाँ तो बस यही होगा तुम्हारे साथ। मुकेश भाई का नहीं आया क्या अभी? हाँ भाई चलो, कौन? अमन, नेटवर्क चल रहा है क्या? छोड़ो यार। अक्षिता जी, बस चल रहा है। हाँ बेटा, इस जगह पे फील्ड है कि नहीं है? फील्ड है, है। क्यों? क्योंकि वो एब्रप्टली खत्म नहीं होती, तो चलती ही रहती है, राइट? जब यहाँ बना रोक दिया तो कोई बोले अच्छा इसका मतलब यहाँ फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये तो रिप्रेजेंटेटिव है, ये तो कोई बहुत बड़ा वाला पागल आ जाए बोले साहब देखो यहाँ फील्ड नहीं है। अरे भाई रिप्रेजेंटेटिव है यार, मैं ये खींच दूंगा तो बोलेगा यहाँ नहीं है, मैं यहाँ खींच दूंगा तो बोलेगा यहाँ नहीं है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? यस सर। उसका ये जहाँ पे अपन ने रोक दिया इसका मतलब यहाँ रुकी नहीं है, वो तो आदमी थक गया, बंद कर दिया, उसने घबराना कहाँ तक बनाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, यहाँ रोक गया इसका मतलब यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये क्या यहाँ फील्ड नहीं है? तो यही हम क्या, और ऐसी अब्रप्टली हवा में शुरू भी नहीं हो सकती। जैसे माइनस क्यू चार्ज है, अपन ने ऐसे बना दी फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवा में यहां से शुरू हुई, वो पीछे से चली आ रही होगी, ठीक है? क्लियर ऑन दिस? हाँ जी बोलिए। No doubts? No sir. Okay. Lastly, field lines represent net field due to all the charges. इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि मान लो मैंने एक चार्ज क्यू यहाँ रखा, एक और चार्ज क्यू यहाँ पे रखा, और मैंने क्या बोला, देखो ये मैंने क्यू की फील्ड लाइन बना दी, लेफ्ट वाले क्यू की, और फिर मैंने ये राइट वाले क्यू की फील्ड लाइन बना दी। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या कहता है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फील्ड लाइंस कैसे बनानी पड़ेगी? नेट फील्ड बनानी पड़ेगी, राइट? यस सर। हम इंडिविजुअल चार्जेस की ऐसे फील्ड लाइन नहीं बना सकते। लिख लिया? यस सर। एक मिनट सर। लिख लिया सर। श्योर? इसको लोग एक और लैंग्वेज में बोल देते हैं कि फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट फील्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। कहने का मतलब वो फील्ड वेक्टर को ना अपन ने मान लिया कि पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है, तो फील्ड लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है
कि चार्ज वाज कौन था, कहां था, क्यों था, चार्ज वाज से उसको लेना देना नहीं है. इज दैट क्लियर? यस यस. उसको कोई लेना देना नहीं चार्ज वाज से कि इस चार्ज की हो, तो वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, फील्ड को, और वो भी कौन सी फील्ड को, नेट फील्ड को. क्लियर है बिल्कुल? यस डाउट. कोई डाउट? नो सर. ठीक है, इफ देयर आर नो डाउट्स तो मैं आगे बढ़ूंगा. चारों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है? यस सर. ठीक है. यस सर. अब थोड़ी सी कहानी जो है वो पीछे को जाएगी. थोड़ा सा अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वी विल गो लिटिल बिट बैक. क्या है जो चार्ज होता है ना क्यू, इसका असर दुनिया पे यदि नापने जाएंगे तो उसको अपन ने अभी तक क्या समझा है, ई वेक्टर, राइट? यस सर. यस सर. बड़े लोगों ने क्या पाया, ध्यान से समझना. जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या होता है, जिन्हें नहीं पता एक बार बता दूं. करंट कैरिंग वायर में एसेंशियली होता ही है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं. पता है क्या सबको ये बात? यस सर. यस सर. यस सर. जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, कोई डिफरेंस होता है क्या इनमें? लेकिन सब नेगेटिव मूव कर रहे होते हैं, रहे होते हैं. और पॉजिटिव चार्ज रुके होते हैं, पॉजिटिव चार्ज रुके होते हैं, नेगेटिव चार्ज चल रहे होते, होते बराबर अमाउंट में. तो लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या पाया उन्होंने, एक अजीब सी चीज पाई कि इस करंट कैरिंग वायर के पास में यदि मैं एक चार्ज ले जाके रख दूं क्यू रेस्ट पे, तो इस पे फोर्स जीरो लगता है. लगना भी चाहिए, क्यों लगना चाहिए जीरो फोर्स? पॉजिटिव नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, राइट? पर बाद में उनको मालूम पड़ी एक अजीब सी चीज, यार ये कहीं से आवाज आ रही है, किसके यहां से आ रही भाई, प्लीज या तो शांत कमरे में बैठे हो, शांत कमरे में नहीं बैठ सकते तो माइक बंद कर दे, वो भी नहीं कर सकते तो छोड़ दे, बाद में कभी क्लास रिकॉर्डेड देख. पर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज पाई कि यदि ये वाला चार्ज चलने लग जाए तो सीधी सीधी लाइन पे नहीं चल पाता, इसमें फोर्स लगता है अजब गजब डायरेक्शन. बात समझ में आ रही क्या मेरी? यदि ये चार्ज चल रहा हो तो इसपे फोर्स लगता है, ठीक है यहां तक? हेलो. यस सर. ये अभी अपने सिलेबस, अभी अपने उसमें नहीं आया इस चैप्टर में, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपको पूरी चीज समझाऊं, नहीं तो आपको फिर बाद में कंफ्यूजन होगा. ना केवल इतना, यदि करंट कांस्टेंट है तो फोर्स कुछ आता है, और यदि करंट वेरिएबल हो, ये करंट वेरिएबल हो मतलब ये जो चार्जेस की वेलोसिटी है वेरिएबल हो, तो फिर फोर्स कुछ और भी आ जाता है एक्स्ट्रा, और वो रुके हुए चार्ज पे भी लग जाता है. मैं फिर से बोलता हूं, मान लो मैंने वेरिएबल करंट प्रोड्यूस कर दिया, कैसा करंट? वेरिएबल. वेरिएबल करंट मैंने प्रोड्यूस कर दिया और रेस्ट पे है एक चार्ज बाहर रखा हुआ, चार्ज इज एट रेस्ट. तो उन्होंने क्या पाया कि फिर भी इस पे फोर्स लगने लग जाता है यदि वेरिएबल करंट हो तो. तो बड़े लफड़े हो गए. तो इसका मतलब चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं करते, कोई और इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते होंगे. यस सर.
क्योंकि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता जो रेस्ट पर है। हाँ तो फिर बाद में समझ में आया लोगों को। कि चार्ज खुद जो अपना अफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो अभी तक अपन पढ़ते हुए हैं। ठीक है, ठीक है यहां तक? यस सर। अब डिफरेंस क्या है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के चलने में? प्लस चार्ज रुका हुआ, माइनस चार्ज चल रहा है, तो प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ रही होगी वो तो चेंज हो नहीं रही होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड आ रही होगी वो चेंज हो रही हो क्योंकि वो चल रहा है। यही अंतर हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे। यस सर। बोलो बोलो। यस सर। कोई बच्चा जिसने पहले नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ सर। यस सर। यस सर। करते हैं मुझे आर्गुमेंट से नहीं पढ़ा सर। सर। हाँ जी प्लीज। सर अगर करंट वेरिएबल नहीं है तब फोर्स लगता है सर रेस्ट चार्ज पे? नहीं, लेकिन चलते हुए चार्ज पे लगता है। और वेरिएबल हो तो रेस्ट पे भी लगता है? तो रेस्ट पे भी लगता है, चलते हुए भी लगता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों नहीं होगा मूविंग चार्ज में? कोई कुछ अपने मन में बोल रहा है बेटा, मन की आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती, थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी बोलने के लिए। सर आप आपने बोला मतलब कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा क्यों? यदि ये नेगेटिव चार्ज चल रहा है तो इससे इस पॉइंट की दूरी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी कि वेरी करेगी? इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? अलग आएगी। इसी को वेरिएबल बोलते हैं शायद? यस सर। और कुछ? बढ़ूं आगे फिर? यस सर। यस सर। ऑल राइट। तो इसका मतलब कि फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से भी लगता है, और यदि वो टाइम वेरिंग हो तो वो भी लगाती होगी फोर्स कि नहीं लगाती होगी? अरे जब टाइम वेरिंग थी तो फोर्स लग रहा था ना चलते हुए चार्ज पे। और करंट वेरिएबल का मतलब ये वेलोसिटी वेरिएबल, मतलब कि डीएस बाय डीटी भी खुद वेरिएबल हो तो वो भी फोर्स प्रोड्यूस करती है। मतलब इससे भी फोर्स आता है और इससे भी फोर्स आता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की खुद की वजह से तो फोर्स लगता ही है, लेकिन उसके वेरिएबल और उसके वेरिएबल उसके डेरिवेटिव के वेरिएबल होने की वजह से भी फोर्स लगता है। तो इन सब चीजों को समझ के बड़े लोगों ने तीन नाम रखे हैं टोटल। कितने नाम रखे? तीन। और एक लॉ में सारे फोर्सेस को कंप्लीट कर लिया। ये लॉ अभी अपने सिलेबस में नहीं, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ये वाला हिस्सा आपको याद है, करंट था तो चलते हुए चार्ज पे फोर्स लग रहा था। यस सर। यस सर। यस सर। चार्ज था, चल रहा था तो ये फोर्स लग रहा था इस पे। इस वाले हिस्से को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो आप सबने सुना होगा। ये कहां से आता है, इसका ओरिजिन क्या है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से आता है ये? टाइम वेरिंग जिसको आज तक हम ई कह रहे थे, इसमें थोड़ा सा पंगा है। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, और आज तक हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे थे, इसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एंड में आएगी, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंड्यूस का वो जो इंडक्शन अपन ने पढ़ा था
छोटी कक्षाओं में उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई दिल पे मत ले लेना इस इंडक्शन को, ये सिर्फ नाम है, ठीक है ना। इसको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी आप कह सकते हैं, चाहे तो ये कह लीजिए चाहे इसको कह लीजिए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये खुद कहां से आती है, बड़े लोगों ने बताया कि भैया ये ऐसा है, ये आती है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से। करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी नहीं करेगी? यस सर। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं तो उसके कितने मतलब है, एक की दो? दो 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 मतलब है। दो मतलब है। दो पक्का? पता अगर करंट जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो ये जो दूसरा वाला E इंड्यूस्ड है ये तो जीरो हो जाएगा ना? हाँ ये जीरो हो जाएगा बिल्कुल। और कुछ? तो एसेंशियली लोगों ने क्या पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या और क्लियर बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यदि वेरिंग है तो वो फोर्स जो आते थे वो और अलग अलग आते थे, तो उसको लोगों ने अकाउंट में लिया। सर अगर करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल क्यों होगा सर? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट से ही आती है। यस सर, समझ गया सर। और कुछ? सर हाँ जी, अगर करंट कांस्टेंट है तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना? करंट करंट सर अगर करंट कांस्टेंट है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल। ये सब आपको देखो अभी जरूरत नहीं है, इतना मत जाओ, आप गलत साइड में जा रहे हो। फिर से मैंने पढ़ा कुछ ना, आप ध्यान कुछ और दे रहे हो। अभी आपको बस इतना सा समझना है कि चार्ज का असर जो है वो तीन होते हैं, क्या क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो डायरेक्ट असर होता है जो अपन ने पढ़ लिया, राइट? यस सर। यस। फिर इसके वेरिंग होने से इसके डी बाय डीटी से क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो भी फोर्स लगाती है, ये भी चार्ज का असर है। और यदि ये भी टाइम वेरिंग हो तो क्या आ जाता है? इंड्यूस्ड। अच्छा अब ये सीक्वेंस चलती रहती है वैसे तो, यदि ये टाइम वेरिंग होगी तो ये प्रोड्यूस कर देगी वापस मैग्नेटिक, ये वापस कर देगी। बट अपन को वो सब नहीं चाहिए, अपन को तो ये पता होना चाहिए जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो अपन को क्या समझना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक टू टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस्ड। ये क्लियर है बात सबको कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब क्या है? दोनों उसका मतलब क्या है? दोनों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लिख लिया आराम से, एक मिनट वेट कर लेता हूँ मैं, कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का अनदर नेम क्या है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर फोर्स पूछेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर समझ लेंगे जो कि इंड्यूस है और इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन क्या पूछेगा?
क्या बोल रहे हो भाई, थोड़ा जोर से बोलो क्लियरली। चार्ज पर अगर फोर्स, किसी चार्ज पर अगर फोर्स पूछे तो हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, कोई नहीं पूछ रहा, चिंता मत करो, कोई नहीं पूछ रहा कुछ भी आपसे। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलू तो इसका मतलब पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात। चलो आगे बढ़ूं। Yes, sir. अब सबसे सरप्राइजिंग बात ये, जो मैं इतनी देर से आपको जो रूल पढ़ाया, चार रूल पढ़ाया मैंने आपको। Yes, sir. ये चार रूल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए ट्रू है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ट्रू है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ट्रू। जो चारों रूल पढ़ाया उसमें आप ध्यान दीजिए, तो मैं फील्ड लाइन बोल रहा था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं बोला था। क्या बोला था मैंने? फील्ड लाइन। सो ये चारों रूल तीनों टाइप की फील्ड के लिए ट्रू, ठीक है यहां तक? कोई डाउट? नो सर। नहीं पूछना कुछ भी? नो सर। सर बस यही तीन के लिए ट्रू है। क्या हो गया? बस यही तीन के लिए ट्रू है। और कौन सी आप पता है आपको? ग्रेविटेशनल। नहीं, ग्रेविटेशन तो नहीं पढ़ रहे अभी अपन, चार्ज की कहानी चल रही है बेटा, जो जगह हुए हो तो। ग्रेविटेशनल फील्ड का चार्ज से क्या रिलेशन है? हाँ? नहीं सर, फील्ड लाइन के मतलब बात हो रहा था ना, तो उसको पूछा। हाँ तो उसका चार्ज से कोई रिलेशन है क्या भाई ग्रेविटेशन का? नहीं, मैं भी बदले में यही पूछ रहा हूँ तेरे से यार। हाँ नहीं है ना। हाँ कल से तू ग्रास फील्ड लेके आ जाए, वीट फील्ड लेके आ जाए, कि सर वीट फील्ड के लिए भी ट्रू है क्या, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है ना। कर सकता है ना ऐसी बात? तू कितनी कर सकता? कर सकते हैं। हाँ तो तेरी अक्कल को देखते हुए डर लग रहा मेरे को, इसलिए तेरी जगह मान ले कोई समझदार आदमी तो नहीं डरता मैं, समझ रहा है ना बात को? तो घास के खेत के लिए वैलिड है क्या भैया तीनों लॉ? है भाई उज्जवल प्रसाद? नहीं सर। फुटबॉल फील्ड के लिए? नहीं। बस जहां पे भी फील्ड लगता हो तो लेके आ जाए, सर देखो फुटबॉल फील्ड में लगाया मैंने लॉ, रिजल्ट ही नहीं आया, मैसी तो फिर भी गोल कर दिया है ना। चलो मैं आगे बढ़ूं। लेट्स प्रोसीड। अब मैं स्पेसिफिकली रूल पढ़ा रहा हूं फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है? जो अभी तक रूल पढ़ाए थे वो इसके लिए तो वैलिड है ही सही, तो इसके लिए ये पांचवा रूल हो जाएगा, क्योंकि पहले चार रूल तो ट्रू है ही सही इसके लिए। yes, ये पांचवा रूल हो जाएगा। बढ़ू? यस सर। यस सर। तो पांचवा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, पहले मैंने क्या बोला था? फील्ड लाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। शुरू करूं? यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
originates from a positive charge and terminates in a negative charge. Originates from a positive charge and terminates in a negative charge. समझ में आई क्या बात? जैसे कि ये वाली फील्ड लाइन है, पॉजिटिव चार्ज में ओरिजिनेट हुई, आप बोलेंगे साहब तो टर्मिनेट हो ही नहीं रही, घूम के आएगी माइनस क्यू पे हो जाएगी टर्मिनेट, सही है कि नहीं? तो पहले आपने लिखा था कि वो ओरिजिनेट नहीं हो सकती और टर्मिनेट भी नहीं हो सकती, और वो इसके लिए भी ट्रू था, तो इसमें मैंने लिखा था ओरिजिनेट भी हो सकती टर्मिनेट भी हो सकती, बस इतना ही लिखा कि आगे भी कुछ लिखा है उसमें पूरा पढ़ लो, वो एक गुलाब जामुन पे गुलाब पढ़ के आ गया पागल आदमी, फ्री स्पेस सर, फ्री स्पेस। तो कभी कोटा आना तेरे को गुलाब जामुन बोल के ना गुलाब का फूल खिलाऊंगा कांटों के साथ, ठीक है ना आइडिया? एक डाउट है, ये आइडिया कैसे वैसे? अच्छा है सर, बढ़िया। कथा कौन, नाम क्या है उस आदमी का जिसको खिला रहे? प्रत्यक्ष, कोटा में रहता है। कोटा में रहता है क्या? यस सर। अच्छा, तेरे को गुलाब का फूल तोड़ के रखता हूँ मैं कांटों के साथ तेरे लिए, है ना, गुलाब जामुन की जगह वो खिलाऊंगा गुलाब जामुन बोल के। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, जेई में एक सवाल आया था बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। उसमें ऐसी फील्ड लाइन बना रखी और सवाल ये था कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है, कैन दिस बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? नो सर, नहीं हो सकता, शायद हो सकती है सर, हो सकती है सर, तो हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगी, मैंने इलेक्ट्रिक बोला नहीं हो सकता। अब ये फुटबॉल फील्ड लाइन नहीं हो सकती है बोल दे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दे ना भाई, ये एक्चुअली हो सकती है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन पे तो रूल है चलो प्लस और माइनस से चलेगी, ये प्लस माइनस से तो नहीं चल रही, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पक्का नहीं है, एग्रीड? यदि मेरा सवाल होता कैन दिस बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, नो, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब हमारा रूल क्या था कि फील्ड लाइन्स कैन नॉट ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन इन फ्री स्पेस, इसका बताओ शुरुआत कहां से हो रही है? एनीवन? नहीं पता चलेगा, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, अंत कहां हो रहा है ये भी नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते, ना आदि है ना अंत है, जो क्लोज सर्कल होता है वो तो अनादि अनंत होता है। यस सर। वैसे ये एक डाउट है इसमें सर, थोड़ा सा लिख लेते आप अंकित जी, मतलब इसमें सर यहाँ पे चार्ज है, दो मिनट सांस लो प्लीज, लिख लो मान जाओ, हाँ जी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होगा अभी? कुछ भी नहीं सुनाई दिया सर, ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बनाए हैं सर्फर में, ये कोई चार्ज ही कोई चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होगा ना? हो सकता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया हो, ये कथा चल रही थी ना, आप सो गए थे इस कथा में? नो सर। फिर लेकिन सर वहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन ही था ना, यहाँ पे है क्या चार्ज? करंट वायर तो यहाँ है,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, लेकिन ओरिजिनेट और टर्मिनेटर सिर्फ चार्ज फ्री स्पेस। अब इसने क्या किया, इसने सिर्फ चार्ज फ्री स्पेस सुन लिया, इसको सुनना नहीं है पूरा, किसी को नहीं सुनना, आधा अधूरा सुन के बोलना है। मैंने क्या बोला, पूरा स्टेटमेंट बोलो ना। वो सिर्फ चार्ज फ्री स्पेस को जोर जोर से बोलने से क्या हो जाएगा, पूरा बोलो। फील्ड लाइन कैन नॉट ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। ऐसा कर रही है क्या फील्ड लाइन? यस सर। हाँ, यहाँ पे हो रही है। क्या है चार्ज, ये क्या हवा में टर्मिनेट हो रही है क्या? नो सर। तो फिर तुम्हारे आर्गुमेंट का इससे को लेना देना है? नो सर। बेटा सेंटेंस पूरा पढ़ लो यार, बिल्कुल ही मतलब ध्यान ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं। छठा और आखिरी पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब ये नंबर आपको सबको पता है, लफड़े वाली चीज है कि नहीं पता है? यस सर, लफड़े वाली चीज। यस सर, यस सर, रिलेटिव। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन originating slash terminating on a charge या फ्रॉम इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है बात, मतलब कि यदि मैंने Q से बनाया है n फील्ड लाइंस, तो 2q से कितने बनाऊंगा? 2n 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 दैट्स क्लियर है बिल्कुल? यस सोच लीजिए। यस सर। हाँ यस सर, यस सर। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक चार्ज Q माइनस Q और ये एक चार्ज 4Q, इनकी फील्ड का ग्राफ तो बना रखा था अपन ने। ग्राफ नीचे फील्ड लाइंस चाहिए बनाए।
हो गया सर। देखिए इसकी वजह से फील्ड कहाँ जीरो होती है बच्चों? माइनस ए। तो इसकी फील्ड लाइन बनेगी कैसे? ऐसे बननी चाहिए कि इस जगह पे तो फील्ड लाइन इस पॉइंट से तो बहुत दूर जा रही है, ठीक है कि नहीं? ना केवल इतना, यदि अपन इसको दूर से देखें मतलब तो दूर फील्ड लाइन हो तो कैसी होनी चाहिए दूर से फील्ड लाइन? 3Q जैसे। 3Q की ऐसे जैसे फील्ड लाइन होती तो फील्ड लाइन ऐसी दिखनी चाहिए, राइट? यस सर। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है क्या? ये कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। अब वो 4 times करना है वो एक अलग कहानी है ना। तो इसको यदि आप दूर से देखेंगे तो सबको दिख रहा है क्या कि अपन को एक अल्टीमेटली बहुत दूर जाने पे तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस दिख रही हैं कि नहीं दिख रही है? बस हो गया काम खत्म। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। किसी की थी क्या सेम? यस सर। सॉलिड स्फीयर के अंदर आप लोग फील्ड लाइंस बना के लाना। ठीक है? चार्ज सर। क्या बोल रहे हैं? चार्ज चार्ज सॉलिड नहीं है। अच्छा सॉरी अभी पढ़ाया नहीं है मैं भूल गया। सॉरी। ठीक है मेरा, आप ऐसा करना Q4Q के लिए बना लाना सर। ऐसे मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा हुआ है पहले इसलिए कुछ वो नहीं है, बट ठीक है क्यू और 4Q के लिए फिर ठीक है ये बना के ले आना। बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन लोग, कुछ और नहीं है तो। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लक्स। ठीक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करें। यस सर। अब यहां फ्लक्स में दो बड़े बड़े लोगों का काम आया, एक आएगा फैराडे का जिनको मैथ्स बहुत अच्छी आती थी क्या? नहीं सर। फ्रेडरिक कार्ल गॉस जिनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते, एक बोलेगा फ्लक्स इज इक्वल टू, दूसरा बोलेगा फ्लक्स रिप्रेजेंट्स। कौन बोलेगा इक्वल टू? गॉस। और रिप्रेजेंट्स? फैराडे। तो देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए
थ्रू अ गिवन मैथमेटिकल सरफेस. लिखा फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए थ्रू अ गिवन मैथमेटिकल सरफेस. अब मैथमेटिकल सरफेस किस चीज की बनी होती है? इमेजिनरी. मतलब वो सिर्फ कहने को होती है, कोई फिजिकल चीज की नहीं बननी है, है ना? कमजोर लोग इमेजिनरी वर्ड यूज करते हैं, बट हम तो वो भी नहीं कहना चाहते. इट इज जस्ट अपन ने ऐसे ज्योमेट्रिकली कुछ बना, ठीक है, फिजिकली नहीं बनी होनी कुछ भी. अब मान लीजिए यहाँ गए अपन को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखी ऐसी है ये वेक्टर, तो ये कह रहा है ई डॉट डी ए, मतलब यहाँ का छोटा सा एरिया लो और डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का, ऐसा कह रहा है करने को. बड़े आगे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है मैथमेटिकल सरफेस का. क्या सर? मैथमेटिकल सरफेस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. क्या इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता है तो मुझे तुम वर्ड यूज कर रहे हो? जरा मुझे फिजिकल सिग्निफिकेंस वर्ड समझाओ. नो सर, मतलब फिजिकली कोई मीनिंग नहीं है, गलती हो गया सर. फिजिकल मीनिंग जिन चीजों को आता है जरा समझाओ मुझे, किन चीजों के फिजिकल मीनिंग होते हैं? जैसे सर अगर मतलब कोई सर मतलब जैसे लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया, ये सब का सर फिजिकल फिजिकली है सर, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, इसका कोई मतलब इसका शेप है, साइज देख सकते हैं. किसका फिजिकल मीनिंग चाहिए तुमको? ये मैथमेटिकल सरफेस का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते. चलो आगे बढ़े. यस यस. और फैराडे ने क्या बोला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस क्रॉसिंग अ सरफेस फ्लक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग अ सरफेस. ये बोला फैराडे ने. लिख लिया सबने? यस सर. यस सर. फ्लक्स के बारे में पहले फैराडे ने बोला था आपको, गॉस ने मतलब पहले रिप्रेजेंटेशन आया था, फिर पहले मैथमेटिकल टर्म आया था. आप क्या हिस्ट्री लिख रहे हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की? नो सर. फिर फैराडे और गॉस का इवैल्यूएशन करने वाले हैं आप, कौन इंटेलिजेंट था ज्यादा? नो सर. इस सवाल के उत्तर का करोगे क्या यूज? तुम यूज बता दो, उधर का मैं ढूंढ के बता दूंगा. है? नहीं सर. अरे कुछ सवाल पूछा तो यूज तो होगा बेटा यार, समझदार आदमी हो तुम. मैं ऐसा अज्यूम कर रहा था कि यूज होता होगा तभी बात करते होंगे. हाँ सर, शायद शायद मैथमेटिकल शायद ये रिप्रेजेंटेशन देख के शायद गॉस को आइडिया है, उसके बाद उसके मैथमेटिकल टर्म पे. उस सबका यूज क्या करोगे इन सब चीजों का? नहीं सर. हाँ कुछ नहीं सर. अच्छा ऐसे बेकार के काम करते रहते हो तुम? हाँ नहीं सर. तो फिर यूज बताओ. यूज नहीं बता रहे तो ये मानो हाँ साहब मैं बेकार के काम करता हूँ.
जल्दी डिसाइड करो दोनों में से कोई एक चीज, कोई तीसरा ऑप्शन है तो वो बताओ। बेकार काम, तुम बेकार क्या पूरा बोलो, बेकार काम कर दो। बेकार काम करता हूँ मैं, करते हो? मैं सुन क्या बोल रहे हो, पूरा क्लियर बोलो। मैं बेकार काम करता हूँ। तुम बेकार काम करते हो, तुम बेकार काम करते हो। चलो मुझे पता पड़ गया, मैं तुम्हारी चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा, थैंक यू बताने के लिए। कौन था भाई ये जो बेकार काम करता, सत्यम नाम तो बता दो भाई। यस सर, सत्यम। अच्छा क्या करते हो तुम, दोबारा बोल दे एक बार, मैं भूल गया। सत्यम क्लियरली दोबारा बोल दे, मैं भूल गया क्या करते तुम। मैं बेकार काम करता। ओके ठीक है, मैं याद रखूंगा अब, है ना। हाँ भाई कोई और, भाई आपकी यदि जेई में सिलेक्शन में किसी चीज से मदद मिल जाए तो मैं समझा दूंगा। मैं जो कहानियां सुनाता हूँ उनका सबका रिलेशनशिप होता है। मैंने कहानी क्यों सुनाई थी फेरेडे की, ये तो आपको लगता है कि फील्ड लाइन मैथमेटिकली क्यों लिख रहे हैं ना आप, यदि यही सब बातें करोगे तो नॉनसेंस, मैं करूंगा तो सेंसिबल। आप बोलो सर ऐसे कैसे सर, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी नहीं है, नो डेमोक्रेसी। आप और मैं सेम लेवल पे हैं, बोलो भाई। मैं भी आपकी जैसी बेवकूफ भरी बातें करता हूँ, फिजिक्स में सेम लेवल है, जल्दी बोलो। सत्यम, मैं सत्यम जैसी बातें करूंगा तो बड़ेगा तो हमें सत्यम जैसी बातों से बचना, क्योंकि सत्यम तो बेकार बातें करता है। चलो तो अब इसमें खेल ये है, कि ये जो फेरेडे कह रहे हैं और ये जो गॉस कह रहे हैं ये एक ही बात कह रहे हैं, ये समझना सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो यहां पे अपन तीन चीजें समझेंगे, एक ये वेक्टर क्यों आ रहा है, ए वेक्टर क्यों नहीं आ रहा, समझे क्या। दूसरा ई और डीए को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, और तीसरा डॉट प्रोडक्ट की क्या जरूरत है। तीनों चीजें क्लियर है, बढ़े क्या आगे। यस सर। देखिए सबसे पहले एरिया के बारे में बात कर लें, जैसे ये कर्व सरफेस रखी है इतनी बड़ी, इसमें यदि अपन देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सब जगह अलग अलग आएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर प्रोपर्टी टू सरफेस होता है। yes, तो भांति भांति की डायरेक्शंस में आ रहा है। इज दिस ओके? यस सर। इससे तो हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कौन सा एरिया वेक्टर है, या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। हाँ नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो लेकिन छोटा एरिया वेक्टर लेंगे तो बता सकते हैं एरिया वेक्टर क्लियरली। यस सर, यस सर, छोटे के लिए बता सकते हैं, बड़े के लिए नहीं बता सकते। तो एक तो ये रीजन है डीए लेने का। दूसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां यहां क्या सब जगह सेम होना जरूरी है? नो सर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? नो सर। नहीं है ना जरूरी? नो सर, नो सर। पक्का? जबकि एक छोटे से एरिया में तो फील्ड की वैल्यू और वेक्टर बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। यस सर, यस सर। हाँ यस सर, छोटी जगह तो बता सकते हैं पर बड़ी जगह पे नहीं बता सकते। Clear on this? Yes, sir. Yes, sir.
तो इसलिए डी आएगा. एनी डाउट्स? सोच लीजिए. तो बड़े में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वो एरिया ज्यादा बड़ा है, तो हर एक फील्ड हर एक पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर अलग होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग है, लेकिन छोटे से एरिया में अलग हो सकती है. फील्ड तो वेरिएबल है, कोई वो थोड़ी हाँ जो एक जगह वही सब जगह होगी फील्ड. जरूरी नहीं, जरूरी नहीं. जैसे हम लोग VdT लिखते हैं, V into T नहीं लिखते. लिखते क्या V into T? नो सर. अपन F dot ds लिखते. यस सर. Fs नहीं लिखते. वही लॉजिक है. आगे बढ़े. यस सर. E था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड. हेलो. यस सर. यस सर. एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन. उस एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो जाएगा, आ जाएगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको. क्लियर है बिल्कुल यहां तक? यस सर. चलिए तीसरे पॉइंट से अपन अगली क्लास शुरू करेंगे. तब तक के लिए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? कुछ पूछना है तो एक बार नोट्स देख लीजिए, काफी सारा पढ़ा गया है आज. हाँ जी सर. जब आपने वो माइनस क्यू और फोर क्यू में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने को दी थी, तो आपने फोर क्यू का तो बनाया था, लेकिन माइनस फोर क्यू की तरफ जो माइनस क्यू की तरफ जो फील्ड आ रही थी वो नहीं बनाई थी उसके लेफ्ट में? वही है तिब्बत में, यदि तुम्हें शहर दिखाने तो दिखाना. तिब्बत में भी नहीं, अगर नहीं बनाएंगे तो चलेगा ना, ऐसे जरूरी नहीं है. ये लो भाई, और डेंसिटी बना लेते. खुश सही है? नहीं सर, समझ में आ गया. खुश नहीं हो? क्या चाहते हो? खुश हो सर. खुश हो सर. खुश हो. तुम्हारे कहने पे एक ऐसी फालतू चीज बनाई मैंने. S1 कहां तक दिया था मैंने? सर 6 तक है. तक 6 तक दिया था. S1 1 2 6 तक दिया था. 7 8 9 भी कर लेना. ओवन में कुछ दिया था क्या? यस 14 तक. 14 तक दिया था. 14 तक. सर हाँ सर, इनके डिस्कशन की क्लास? हाँ मैंने बोल दिया लग जाएगी. ओके सर. ये 20 तक कर लेना. ठीक है. यस सर. और एचसीवी कहाँ तक दी थी मैंने? 40 तक. 41 से 40 करीब करीब 40 तक दे दिया ना मैंने. यस सर. 41 सर. लेकिन कुछ क्वेश्चन बचे थे बीच के, आपने 12 तक दी थी पहले, फिर 21 से थी. अच्छा, इस बैच का नाम क्या? कुमाऊ. यस यस सर. कुमाऊ बैच. एक्सक्यूज मी सर. जी बोलिए प्लीज. सर पिछले होमवर्क में दो क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात हुई है. उसको छोड़ दो, मैं पढ़ा दूं. छोड़ दो, गलती से आ गया उसमें. और कुछ? नो सर. नो सर. और किसी कुछ भी पूछना हो, कहना हो, सुनना हो? एनीथिंग सर? एचसीवी में कहाँ तक करना है? वही पुराने ही, उसके आगे भी करे होगी. चलो देता हूँ. वो मैकेनिक्स वाले सवाल है, उसमें कुछ है. Yes, sir.
45 छोड़ के 41 से 52, ठीक है? यस सर। चलिए, थैंक यू सर। और किसी को पूछना हो? हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। वो आपने अनअकैडमी के लेक्चर देखने को बोला था, वो मतलब जरूरी है क्या, जैसे आपको अभी पढ़ा रहे हो? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगे कि दूसरा बच्चा जो है वो जल्दी जल्दी करते जा रहा है और मैं, यदि बुरा लग रहा है तो कर देख लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आप तो पढ़ाई हो, वैसे कंफर्टेबल ही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, होमवर्क वगैरह हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही करिए फिर। हाँ सर, हो रहा है सर, समझ में गया, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर। और कोई? Anything else? ठीक है फिर। कुछ भी नहीं पूछना, होमवर्क लिख लिया सबने? यस सर। सर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।